थे मैनेजमेंट से, क्या राय देंगे सर? दीपा, इस तेजी के दौर में कुछ कुछ बहुत बढ़िया कंपनियां बाजार के हाथ यस लगी सर है ना, डिक्सन, अंबर, वहां से शुरू जी, करें, लेटेंट, हैप्पीएस्ट माइंड, यस सर, रूट मोबाइल एम वगैरह टी जो है। आर, रूट मोबाइल, अच्छी अच्छी तरह की नई नई तरह की कंपनियां हाथ मिलेगी। उन्हीं में से एक ये भी है, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, जी जो मतलब दुनिया भर में माइनिंग का बिजनेस करने वाली जो कंपनियां हैं उनके यस लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स की, पार्ट्स की जरूरत होती है जी बेसिकली, वो बनाने का काम करती है। जैसे सपोज किसी कंपनी में काम करते करते कोई एक आम भाषा में नट बोल्ट गिर गया, हाँ और वो छोटा सा नट बोल्ट अगर वो नहीं लगाएंगे तो आपका गया 2 दिन का काम, उसकी एब्सोल्युटली वैल्यू कम जी है ना, जी आएगा बहुत छोटा कम भाव का, हाँ क्योंकि उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम है, छोटा सा साइज का है, लेकिन उसके बगैर काम चलेगा नहीं। इम्पोर्टेंस ज्यादा है। मैंने मेरे ना बचपन के जमाने में एक पिक्चर देखी थी, उसका नाम था मजदूर, राज बब्बर की पिक्चर थी, अच्छा है ना, तो वो इंजीनियर होता है बेचारा, बेरोजगार सा इंजीनियर, उस समय तो बेरोजगारी वाली थीम सबसे ज्यादा चलती थी, है ना, तो वो ग्रेजुएट करके वो मतलब इंजीनियरिंग करके निकला और उसको नौकरी नहीं मिली, तो कहीं उसको एक दिन ऐसे बुला लिया क्योंकि कोई प्लांट बंद हो गया, तो वो गया, उसने एक मशीन के अंदर एक कील ठोकी और बोला 1,000 रुपये। बोले कील ठोकने के 1,000 रुपये? तो उसने बोला कि कील ठोकने का तो 1 ही रुपया है, 999 रुपये इस बात के कील कहाँ ठोकनी है ना। सही बात सो है। हाँ ये इस तरह का बिजनेस इस इसके लिए कंपनी का, हाँ कि आइटम छोटा है लेकिन हमारे बगैर काम चलेगा नहीं, हाँ तो वहां पे प्राइसिंग पावर आता है। और अगर वहां पर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स टाइमली सप्लाई कर दे कि आपका प्रोडक्ट मिलने की वजह से मेरा प्रोडक्शन रुका नहीं, फिर ले लो ना भाव, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरा 2 दिन प्रोडक्शन रुक जाए और मेरे $1,00,000 का नुकसान हो, मैं आपको $100 खुशी खुशी दूंगा, करेक्ट 1,000 डॉलर खुशी खुशी दूंगा। तो बिल्कुल ये बिजनेस मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, ग्लोबल मायनों में एमएनसी बनने की कम कोशिश कर रही कंपनी। अब तक का जो ग्रोथ रिकॉर्ड है बहुत ही अमेजिंग है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, डेट फ्री, फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी है, लगातार अपने जो एक्सपांशन कर रही है इंटरनल पैसों से कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नेट लेवल पर डेट फ्री भी है, प्रोमोटर्स की समझ जबरदस्त है, और जी मुझे इस तरह के प्रोमोटर्स बड़े पसंद आते हैं, जी सर जहाँ कॉम्बिनेशन है एक्सपीरियंस और यंग जनरेशन का। जी इनके पिताजी ने कंपनी शुरू की थी, एब्सोल्युटली अब खुद देखिए कहाँ कहाँ से दुनिया भर में अच्छे अच्छे हार्वर्ड वगैरह से पढ़ के आए और कंपनी को इंटरनेशनल बनाकर कर रहे जी हैं। सो ये जो कॉम्बिनेशन है यस ये सर बड़ा काम का है ना, और यही कॉम्बिनेशन आपको आज आनंद राठी वाला जो आईपीओ खुलने जा रहा है हाँ उसमें भी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लस फ्रेश ब्लड जब दोनों आते हैं ना तो कंपनी तो कमाल कंपनी करती है। अच्छी है। सो इस लिहाज से ये सारा अच्छा है, वैल्यूशन बहुत आकर्षक रखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं अच्छा कि वैल्यूएशन हाँ है। बहुत बढ़िया वैल्यूशन है, अच्छा इन्होंने जगह छोड़ी है लिस्टिंग पे पैसा बनाने की, ये बहुत बढ़िया ये काम किया बढ़िया है। काम किया। हालांकि मैं बताऊं आपको कि अगर ये आईपीओ थोड़ा और ये मतलब 453 रुपए के बजाय सपोज 600 रुपए कर देते तब भी अच्छा पड़ता, तब भी अच्छा था। हाँ, हाँ क्योंकि साइज छोटी है, छोटी साइज के आईपीओ में सबका इंटरेस्ट होता है, जी लेकिन इन्होंने अपनी छोटी साइज को समझते हुए इन्होंने वैल्यूशन उस तरह से रखे ताकि लोगों के लिए जगह छूटे, जी क्योंकि एआई इंजीनियरिंग इनका प्रमोटर क्या कंपेटिटर पियर है। है। हाँ हाँ पियर है। एआई इंजीनियरिंग के सामने इन्होंने अपनी वैल्यूशन को काफी इंटरेस्टिंग रखा है, नो डाउट एआई इंजीनियरिंग इनसे लगभग लगभग आप कह सकते 3 से 4 गुना बड़ा जी है ना साइज के लिहाज से। सो आपने जगह छोड़ी है उस हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया, और इसलिए मेरी राय ये है लिस्टिंग पर भी बड़ा पैसा बनेगा जी और लॉन्ग टर्म भी ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नेगेटिव क्या है? कुछ है, एक 3 प्लांट बाहर है, चिली, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में है, कहीं 3 जगह है बाहर, तो ग्लोबल प्रेजेंस का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है, और स्पेशली ये सारी कंपनियां, ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं छोटी हैं, माइनिंग अब सब बड़ी कंट्रीज में तो माइनिंग खत्म ही होने, जी ऑस्ट्रेलिया में सॉरी, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया सो ये तो थोड़ा सा वो एक रिस्क रहती है, ग्लोबल प्रेजेंस की फायदे तो रिस्क भी है। एक ही नेगेटिव है, साइज बहुत छोटी है और कंपनी पुरानी है, अगर इतनी पुरानी कंपनी अब तक साइज में नहीं पहुंची तो आगे कितना पहुंचेगी ये क्वेश्चन मार्क है, यही एक इनको प्रूव करना है जी कि हम अब तक छोटे लेवल पर कर रहे थे काम, प्रमोटर अपने लेवल पर कर रहे थे ठीक है, अब पब्लिक बनने के बाद भी क्या हम और कंपनी को बड़ा बना सकते हैं, बड़ी ग्रोथ दे सकते हैं, ये प्रूव करना है, बस एक ही है कि क्या छोटे से आप बड़े हो सकते हैं, और इसका जवाब हाँ है तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी। सो लंबे समय के लिए भी और बड़े लिस्टिंग गेन के लिए भी दोनों में पैसा लगाया। क्लियर है सर, लॉन्ग टर्म और